दातारामगढ़ तहसील के सूलियावास गांव में मजदूर लालचंद शेषमा के कच्चे मकानों में बीती रात अचानक आग लग गई। आग से घर में रखा लाखों का सामान, अनाज और पशुधन जलकर खाक हो गए। आग बुझाने के लिए इस दौरान नजदीकी लोगों ने काफी प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। मकान मालिक के मुताबिक आग से 40 कट्टे प्याज, करीब 3 बोरी अनाज, जनरेटर, 2 बकरियां और अन्य घरेलू सामान जल गए। नीमका थाना में अवैध खनन के विरोध में भराला के खारड़ा निवासी लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्र में अवैध खनन रोकने की मांग की। खननकर्ताओं पर बाहरी गुंडे बुलवाकर धमकाने का आरोप भी लगवाया। झूठे मुकदमे में फंसा दी थी इस तरीके से। 3 साल पहले भावों में जो खनन पट्टा गलत मान के बंद कर दिया गया था, दोबारा उसको शुरू कर रहे हैं। अब उसमें जब वो पूरा अपना निकाल के मंदिर बात की जमीन में डाल रहे हैं, उसके पास से गांव का रास्ता है, वहाँ पे गौशाला है। देखो, खनन के कुछ नियम होते हैं, नियम कानून कायदे होते हैं, उनका उल्लंघन करके गलत तथ्य पेश करके कि आबादी से दूर ये है, गौशाला से दूर ये है, आम रास्ते की दूरी ये है, वाटर लेवल तक पहले खोद दिया। ये नोटिफाइड डार्क जोन इलाका है, यहाँ पानी को पीने के अलावा किसी काम में नहीं ले सकते। वो पानी निकाल कर दोबारा और गहरा खनन करना चाहते हैं, इस वजह से 3 साल पहले जो खाने बंद थी उनको 3 दिन पहले दोबारा शुरू करने की कोशिश की। नीमका थाना में औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक दुकान पर सिरोही निवासी सुल्तान सैनी और पूछला वाली निवासी बाबूलाल यादव के बीच बीती रात शाम हुआ झगड़ा रात को बड़े बवाल में बदल गया। दरअसल विवाद के बाद पुलिस दोनों को थाने लेकर आ गई, जहां समझौते के बाद पुलिस ने सुल्तान को छोड़ दिया, लेकिन बाबूलाल को नहीं छोड़ा। इस पर आक्रोशित लोग थाने पर धरना देकर बैठ गए और SP को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। रात भर चला बवाल सुबह बाबूलाल को छोड़ने पर शांत हुआ। सीकर में नगर परिषद बोर्ड की बैठक आज नए भवन में हुई। चुनाव से पहले यह बोर्ड की अंतिम बैठक थी, जिसमें सड़क और सफाई जैसे मुद्दे छाए रहे। इस दौरान पार्षदों ने वार्डों की समय पर कचरा नहीं उठाने की बात को लेकर जमकर हंगामा किया। आयुक्त के फोन नहीं उठाने का मुद्दा भी उठाया। बैठक में जिला आयुर्वेद अस्पताल और IB विभाग को जमीन आवंटित किया गया। बैठक के बाद सभापति जीवन खान ने बैठक के ब्यौरे के साथ सभापति के अप्रत्यक्ष चुनाव पर भी अपनी राय रखी। आज की बोर्ड की इस कार्यकाल की तो हमारी अंतिम बैठक थी और इस नए नगर परिषद भवन श्री कल्याण भवन में हमारे कार्यकाल की फर्स्ट मीटिंग थी और हमारी जो मीटिंग आज रखी गई तो वो इसी वजह से रखी गई कि इस कार्यकाल के जो भी हमारे मेंबर्स हैं इस भवन में मीटिंग कर लें, ताकि आने वाले समय में मैं इन मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि